अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माई लवली स्टूडेंट्स। सो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी ज़बरदस्त चल रही होगी। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न करेंगे जो आपके बिहार पैरामेडिकल की परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। चलिए मित्रों, आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हिंदी का क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये हमारे प्रीवियस ईयर का पेपर है जो कि एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, शतरंज के खिलाड़ी कहानी के लेखक हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो पहला है जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, रामकुमार और नामवर सिंह। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। चलिए बताइए फटाफट कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर बी किया है देन आप लोगों का सही है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, बी, प्रेमचंद्र जो हो जाएगा ये कहानी के लेखक है, ठीक है। तो हम लोग प्रेमचंद्र के बारे में कुछ जान लेते हैं, जैसे कि इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म कब हुआ था बताइए आप लोग। इनका जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था, 31 जुलाई 1880 ईस्वी में, ठीक है। और इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं भी हैं वो भी हम जान लेते हैं, क्योंकि अगर आज शतरंज के खिलाड़ी पूछा है तो कल कुछ और भी पूछ ले, जैसे कि गोदान। तो इनका कौन सा है, गोदान है, ठीक है, गोदान। और दूसरा है गोधूली, और भी बहुत सारी है तो वो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, कि कोई भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि प्रेमचंद्र की प्रमुख रचनाएं, ठीक है। तो देखते हैं अगला ऑप्शन जयशंकर प्रसाद जी के बारे में। तो जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख रचनाएं जो है वो है ध्रुव स्वामिनी। क्या है, ध्रुव स्वामिनी, ठीक है, ध्रुव स्वामिनी। देन देखते हैं अगला राजकुमार जी के बारे में। तो राजकुमार जी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध थे, तो ये थे हिंदी के आलोचक के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, ठीक है। तो इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, 1905 ईस्वी में। और इनकी एक रचना है औरंगजेब की, औरंगजेब की आखिरी रात, ठीक है, औरंगजेब की आखिरी रात। ये सब आप लोगों को एक बार खुद से भी देख लेना है जाके, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सॉरी, नामवर सिंह तो छूट ही गया, इनको भी देख लेते हैं, इनको क्यों छोड़ना। तो हम नामवर सिंह के बारे में देखेंगे, इनकी प्रमुख रचना, ठीक है। तो ये गीतों के राजकुमार कहलाते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो इनकी प्रमुख रचना कौन सा है, बकलम, मतलब बकलम खुद खुद। और दूसरा है कौन सा है, कविता की जमीन, कविता की जमीन या और जमीन की कविता, जमीन की कविता। बच्चों आप लोग राइटिंग पर नहीं जाइएगा क्योंकि राइटिंग थोड़ा अच्छे से नहीं लिखा रहा है, आप लोग सुन के अगर लिखना चाहते हैं तो सुनकर लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहले का क्या हो गया था हमारा, प्रेमचंद्र। क्या हो जाएगा हमारा, प्रेमचंद्र सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन जो है वो है महादेवी वर्मा की कहानी गौरा में गौरा किसका नाम है, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है कि गौरा किसका नाम है। पहला है बी, मतलब बकरी है, फिर भैंस है, गाय है, स्त्री है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, चलिए फटाफट बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा ये कहानी, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा क्योंकि बहुत अच्छी कहानी है। तो अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर सी दिया है देन आप लोगों का सही है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसमें किसके बारे में बताया गया, ये जो गौरा कहानी है इसमें गाय के बारे में बताया गया है, ठीक है, उनके स्वरूप और उनके संपूर्ण भाव के बारे में बताया गया है, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए के लेखक हैं। तो बताना है आप लोगों को कि इसके लेखक कौन है, ठीक है। पहला है कबीरदास, दूसरा है तुलसीदास, तीसरा है सूरदास और चौथा है विद्यापति। तो आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा,
ठीक है, चलिए बताइए फटाफट कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों। अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर ए किया है देन आप लोगों का सही है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए यानी कि कबीरदास। कबीरदास जी जो है वो इस दोहा के यानी इस लाइन के लेखक हैं, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं थोड़ा बहुत कबीरदास जी के बारे में कि इनकी और कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है। तो चलिए बात देखते हैं कौन सा है, साखी। हम लोग साखी साखी से जानते हैं कि इनकी एक साखी भी है एक, ठीक है। और दूसरा है आपका रमैनी, कौन सा, रमैनी रमैनी। और तीसरा कौन सा हमारा, शबद शबद, ठीक है शबद, ठीक। चलिए अब हम देखते हैं थोड़ा बहुत तुलसीदास जी के बारे में। तो इनकी प्रमुख रचनाएं, तो इनकी प्रमुख रचना क्या हो जाएगी, गीतावली। कौन सी, गीतावली गीतावली। दूसरा हो जाएगा दोहावली, ठीक है। अब इनसे आपको दोहा देखना है कौन कौन सा है, तो ये आप लोग खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं तुलसीदास जी के बारे में, सॉरी तुलसीदास के बारे में तो देख लिए, सूरदास जी के बारे में, ठीक है। तो इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, तो कौन कौन सी है, सूर सागर, ठीक है। अब देखिएगा कि में सूर आएगा मतलब सब में सूर आएगा, तो आप लोगों को सूर से जान लेना है कि क्या है ये सूर सागर जी का, मतलब कि सूरदास जी का है ये सारा रचना, ठीक है। सूर सागर, सूर सारस्वती, ठीक है। और तीसरा क्या है, सूर पचीसी। तो सब में सूर लगा है यानी कि इनका किसका हो जाएगा ये रचना, सूरदास जी का, ठीक है। ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं अगला ऑप्शन कौन सा है, विद्यापति जी। तो इनके लिए एक अच्छा सा ट्रिक है, उससे आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा ट्रिक है, पप्पू और कीर्ति, पप्पू और कीर्ति, भूमणि भूमणि लाया, ठीक है। तो आपको याद रखना है प से क्या हो जाएगा आपका, पदावली, ठीक है पदा पदावली। और पू से हो जाएगा पुरुष परीक्षा, पुरुष परीक्षा। और की से हो जाएगा आपका कीर्ति लता, कीर्ति लता, ठीक है कीर्ति लता। और दूसरा हो जाएगा आपका कीर्ति पताका, क्या हो जाएगा, कीर्ति पताका, ठीक है। और आपका हो जाएगा मौसे मणि, मणि मंजरा, क्या हो जाएगा, मणि मंजरा, ठीक है। चलिए तो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। इस तरह आप लोगों को ये सब देख लेना है कि इनकी कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं। अगर इस बार कबीर जी के बारे में पूछा है तो अगले बार कहीं सूरदास जी के बारे में पूछ ले, या तुलसीदास जी के बारे में, या विद्यापति जी के बारे में, तो ये सब आप लोगों को याद रखना है। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, यह भक्ति काल में शगुन भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे। तो आप लोगों को बताना है कि कौन से ये जो प्रमुख कवि थे वो शगुन भक्ति धारा से हैं। तो ऑप्शन चार है, तो इनमें चारों में से आपको बताना है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा बताइए इन चारों में से, जैसे कबीरदास, जायसी, सूरदास, निराला, फटाफट बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा आपका, अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर सी दिया है देन आप लोगों का सही है, क्योंकि सूरदास जी जो थे वो सगुन भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, सूरदास जी, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं अगला कि कबीरदास जी किस भक्ति काल के कवि थे। तो कबीरदास जी जो थे वो निर्गुण भक्ति धारा, किसके थे, निर्गुण भक्ति धारा, ठीक है निर्गुण। और जायसी जी वो भी निर्गुण भक्ति धारा के, ठीक है निर्गुण। और निराला जी जो थे वो छायावादी कवि, ठीक है छायावादी कवि थे, ठीक है। इनको छायावादी कवि बोला जाता है, इस तरह आपको याद रखना है। और एक चीज कि जायसी जी जिनका पूरा नाम क्या है, मोहम्मद मलिक जायसी, ठीक है मलिक मोहम्मद जायसी, तो इनका एक महाकाव्य भी है, वो क्या है, पद्मावत, पद्मावत, ठीक है पद्मावत, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा निर्गुण और शगुन भक्ति। तो अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग बता सकते हैं निर्गुण भक्ति क्या है, शगुन भक्ति क्या है। वैसे हम ही बता देते हैं यहाँ पे, आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। तो शगुन भक्ति क्या होता है,
सगुण भक्ति में हम लोग ईश्वर के रूप या गुण की पूजा नहीं करते हैं, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, सगुण भक्ति हम लोग ईश्वर के रूप या गुण की पूजा करते हैं, ठीक है। और निर्गुण में क्या हो जाएगा, जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। निर्गुण में हम लोग ईश्वर की, उसके अच्छे गुणों की पूजा करते हैं, ठीक है, उसके रूप रंग की पूजा नहीं करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यह पक्षी शब्द किसका मतलब पर्यायवाची नहीं है, पक्षी शब्द का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, तो आप लोगों को बताना है क्या कौन सा ऑप्शन सही होगा। परिंदा, खग, शकुंत, प्रशुन्न, तो इन चारों में से कौन सा आपका सही है, मतलब कि कौन सा ऑप्शन होगा जो पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। चलिए बताइए फटाफट कौन सा होगा। अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर डी किया है देन आप लोगों का सही है, ठीक है। तो प्रशुन्न जो होता है वो पुष्प का पर्यायवाची होता है, ठीक है, और ये परिंदा, शकुंत, खग, ये सब जो है ये पक्षी का पर्यायवाची है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा आपका, प्रशुन्न, ठीक है, प्रशुन्न जो हो जाएगा ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, आगामी शब्द का विलोम, तो बताना है कि आगामी शब्द का विलोम क्या होगा, ठीक है, कौन सा होगा बताइए फटाफट इन चारों में से, विगत, प्राचीन, अति, इति, कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर ए किया है देन आप लोगों का सही है, ठीक है। आगामी का जो क्या होता है विलोम, वो होता है विगत होता है, ठीक है, कौन सा हो जाएगा आपका, विगत। चलिए हम लोग इन तीनों ऑप्शन को भी देख लेते हैं, तो प्राचीन का क्या हो जाएगा आपका, नवीन हो जाएगा, ठीक है, नवीन, ठीक है, और अति का क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा, अति का क्या हो जाएगा, अल्प हो जाएगा, ठीक है, अल्प, और इति का क्या हो जाएगा, श्री गणेश करना, मतलब श्री गणेश, ठीक है, इस तरह हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, पीताम्बर इस समास का उदाहरण है, तो आपको बताना है कि पीताम्बर किस समास का उदाहरण है, ठीक है। चलिए यहाँ पर बताइए फटाफट इन चारों में से कौन सा होगा, फिर हम तो बताएंगे ही कि पीताम्बर कौन सा समास है, फिर उस समास की परिभाषा भी बताएंगे। चलिए फटाफट बताइए इन चारों में से, बहुव्रीही, अव्ययी भाव, द्वंद, तत्पुरुष, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर ए किया है देन आप लोगों का सही है, पीताम्बर जो है वो बहुव्रीही समास है, तो हम लोग इसका विग्रह करते हैं, ठीक है। तो पीताम्बर का विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, पीला है अंबर जिसका, कैसे लिखेंगे, पीला है अंबर जिसका, ठीक है, पीला, पीला है अंबर जिसका, अंबर जिसका, जिसका, ठीक है। तो इसका एक क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, पीला है अंबर जिसका, यानी कि विष्णु, ठीक है, विष्णु हो जाएगा। तो इसका हम लोग देखते हैं थोड़ा सा परिभाषा, तो बहुव्रीही समास का परिभाषा क्या हो जाएगा, जिनमें दोनों पद में कोई पद प्रधान नहीं हो, बल्कि दोनों पद मिलकर एक तीसरे पद की ओर संकेत करे, यानी कि तीसरा पद बनाए, जैसे कि देखा हमने पीला है अंबर जिसका यानी कि विष्णु, उसी तरह लंबा है उदर जिसका यानी कि गणेश, ठीक है, इस तरह हम लोग कर सकते हैं। तो आपको अब चलिए फटाफट बताइए कि समास कितना होता है, चलिए फटाफट बताइए, हम ऑप्शन देते हैं 7, 6, 8, 5, कौन सा ऑप्शन सही होगा ए बी सी डी में, चलिए बताइए फटाफट बच्चों कौन सा ऑप्शन सही होगा। हम लोग तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं समास, छठी क्लास से। अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर बी दिया है देन आप लोगों का सही है, तो समास कितना है, 6 है, ठीक है। संख्या दूसरा, परोपकार शब्द में कौन सी संधि है, परोपकार शब्द में कौन सी संधि है, ऑप्शन ए यन, ऑप्शन बी गुण, सी वृद्धि, डी विसर्ग। पहले मैं परोपकार का जो है संधि विच्छेद कर देती हूँ, परोपकार का संधि विच्छेद होगा पर जोड़ उपकार, है ना, पर मतलब दूसरा, उपकार मतलब भलाई करना, दूसरे को भलाई करना, परोपकार कहलाता। अब देखिए ये पर जोड़ उपकार बिन के बना क्या, परोपकार। अब बताओ आप लोग, एक पहिया ऊपर है, मैं आप लोग को ट्रिक बताई हूँ कि एक पहिया ऊपर गुण संधि होता है जी, क्या होता है जी,
गुण संधि, तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन बी गुण संधि। क्लियर है, इसका राइट आंसर क्या होगा छोटू? ऑप्शन बी गुण संधि। क्लियर है जी। चलिए, अगर टूटने पर एक पहिया ऊपर आ रहा है ना, परोपकार, महेश, सुरेश, ये सारे गुण संधि होंगे, याद रखना आप लोग। एक पहिया ऊपर का मतलब या तो ए कार रहेगा जी, या तो ओ कार रहेगा, ठीक है ना, या तो ए कार रहेगा या ओ कार रहेगा। चलिए, ये ट्रिक है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या तीसरा, सुमन को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि वह फेल हो गया है। सुमन को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि वह फेल हो गया है, यह कौन सा वाक्य है? ऑप्शन ए संयुक्त, वी मिश्रित, सी साधारण, डी असाधारण। चलिए बताइए, सुमन को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि, अगर आप लोग वाक्य पढ़े होंगे तो ये की से पता कर बता देंगे कि ये कौन सा वाक्य है। बच्चों इसका राइट आंसर होगा मिश्रित वाक्य। क्यों होगा मैं बताती हूँ, राइट आंसर राइट ऑप्शन इज द वी। ओके, देखिए मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो, जिन वाक्यों में एक क्या हो जी, प्रधान उपवाक्य, ये है प्रधान उपवाक्य, है ना, जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो और अन आश्रित उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य यही ना है जी, अन आश्रित उपवाक्य हो, तथा जो आपस में कि, जो, क्योंकि, इतना, जितना, उतना आदि शब्दों से जुड़ा हुआ रहता है। समझ में आया? कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, इन सब शब्दों से जुड़ा हुआ रहता है। देखिए यहाँ पे की से जुड़ा हुआ है, ये दोनों सेंटेंस एक दोनों से की से जुड़ा। सुमन को यह जानकर बहुत दुख हुआ है ना, ये तो प्रधान वाक्य हो गया, वह फेल हो गया, ये आश्रित हो गया, और ये दोनों को जोड़ कौन रहा है जी, तो ये की जोड़ रहा है ना। तो इस टाइप का जो वाक होता है बच्चों वो मिश्रित वाक कहलाता है ना। जैसे अगर कहीं एक एग्जांपल देखिए, वो सफल वही होता है जो परिश्रम करता, तो सफल वही होता है एक अलग वाक है और परिश्रम करता है अलग वाक है, लेकिन दोनों को कौन जोड़ रहा है जी, तो जो जोड़ रहा है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जी। प्रश्न संख्या चार, रामायण शब्द का कौन सा शुद्ध विच्छेदित रूप है ना, रामायण का कौन सा सही संधि विच्छेद है भाई, रामायण का कौन सा सही संधि विच्छेद है? ऑप्शन ए राम जोड़ आयन, ऑप्शन बी रामा जोड़ यन, ऑप्शन सी राम जोड़ आयन, ऑप्शन डी राम जोड़ एन। बताइए क्या होगा इसका सही, इसका सही आंसर क्या होगा जी, जल्दी से बताइए। मैं अब और भी बता चुकी हूँ कई बार, पहले तो मैं बता दूँ ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। किस संधि का उदाहरण है जी? दीर्घ संधि का। क्लियर है? आ जोड़ आ मिल रहा है तो क्या बन रहा है जी, आ बन रहा है। देखिए इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों ऑप्शन सी। क्लियर है? देखिए क्यों होगा कि, जो, देखिए यहाँ पे रामायण है ना, तो रामायण का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो रामायण का संधि विच्छेद क्या होगा, राम जोड़ है ना, राम जोड़ आयन है ना, और आयन का अर्थ होता है बच्चों यात्रा, आयन का अर्थ क्या होता है, यात्रा है ना, यानी कि इस पूरे एक शब्द का हिंदी सॉरी अर्थ हुआ राम की यात्रा है ना, रामायण का अर्थ क्या हुआ जी, राम की यात्रा। अगर कभी कोई पूछ दे कि रामायण का अर्थ क्या होता है तो राम की यात्रा, क्योंकि आयन का अर्थ होता है यात्रा, है ना जी, यानी कि इस पूरे रामायण में राम जी का जो 14 वर्षों का वनवास था उसके बारे में डिटेल से लिखा हुआ है ना, उसके बारे में चर्चा की गई, इसलिए इसका नाम रामायण पड़ा। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, सुंदरता शब्द में कौन सी संज्ञा है, सुंदरता शब्द में कौन सी संज्ञा है? बहुत ईजी प्रश्न है भाई, आप लोग बता सकते हो उस प्रश्न का आंसर। ऑप्शन ए है भाववाचक, ऑप्शन बी समुदायवाचक, ऑप्शन सी जातिवाचक, और ऑप्शन डी है व्यक्तिवाचक। सुंदरता में कौन सी संज्ञा है भाई,
बताओ आप लोग इतना तो समझ रहे हो कि जातिवाचक व्यक्तिवाचक और समुदायवाचक नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए भाववाचक होगा। देखिए सुंदर है ना जी, सुंदर, सुंदर में ता प्रत्यय जुट गया। कौन सा प्रत्यय जुट गया जी? ता प्रत्यय जुट गया है ना, तो क्या बन जाएगा जी? सुंदरता, सुंदरता। क्लियर है? सुंदर में ता प्रत्यय जुट गया। आप जान लो सुंदर जो है बच्चों विशेषण है। सुंदर क्या है बच्चों? विशेषण है। लेकिन जब इसमें ता प्रत्यय जुट गया तो ये बन गया क्या जी? भाववाचक संज्ञा। क्लियर है? इस तरह से बहुत सारा चीज़ है, जैसे मानवता है तो ये क्या है? भाववाचक है। मुस्कुराहट, अपनापन, प्यास, बहुत बार प्यास पूछ चुका है, प्यास क्या है? प्यास भाववाचक संज्ञा है। कई बच्चे जो है ना इसको फटाफट मार देते हैं विशेषण। मुस्कुराहट है ना, चोरी, अपनापन, ये सारे के सारे जो हैं भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। क्लियर है बच्चों? चलिए हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जी। तो बहुत ही जी प्रश्न है अगला जी, प्रश्न संख्या 6 है ना, प्रश्न संख्या 6। देखिए प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है जी? पंडित, पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ऑप्शन ए पंडिताइन, ऑप्शन बी पंडिती, ऑप्शन सी पंडितानी, ऑप्शन डी पंडितानी। ये बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं। मुझे कोई इसमें हिंट और कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पंडिताइन। पंडित का स्त्रीलिंग पंडिताइन होता है बच्चों। क्लियर है? अच्छा मैं चार और यहाँ पे दे देती हूँ क्वेश्चन, आप लोग बनाना। लाला, लाला का क्या होगा स्त्रीलिंग जरा बताना। ठाकुर, ठाकुर का स्त्रीलिंग क्या होगा? तपस्वी, तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या होगा जी? ये आप लोग का HW है, घर से करके लाइएगा। क्लियर है? चलिए लाला का देखती हूँ कौन कौन क्या बनाता है। जो प्रश्न संख्या 7, वा का उच्चारण स्थान क्या है? वा का उच्चारण स्थान क्या? ऑप्शन ए कंठोष्ठ, ऑप्शन बी दंतोष्ठ, ऑप्शन सी मूर्धन, ऑप्शन डी तालव्य, है ना? वा का उच्चारण स्थान क्या है? कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, मूर्धन या तालव्य, क्या होगा जी इसका राइट आंसर? आप लोग को बच्चों नहीं पता होगा तो मैं बता दूँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दंतोष्ठ। चलिए देख लीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इधर आप लोग। वा का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है ना, ये कई बार एग्जाम में पूछा है। आप लोग एक बार वा बोल के देखो मुख से अपने, वा, तो ऐसा लगेगा कि जो ओंठ है हमारा वो भी थोड़ा सा राउंड शेप में आ जाता है ना, और जो जीभ है वो दांत में आके टच करता है, इसीलिए वा का उच्चारण स्थान दांत और ओंठ दोनों है, तो दांत और ओंठ दोनों मिला के बन गया क्या? दंतोष्ठ। अच्छा अब बात आती है कंठोष्ठ की, यानी कि कंठ और ओष्ठ। तो बच्चों कंठ और ओष्ठ, कंठोष्ठ से किसका उच्चारण होता है बच्चों? तो होता है ओ और औ का उच्चारण, ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है, यानी कंठ और ओष्ठ। चलिए मूर्धा से किसका उच्चारण होता है जी? तो मूर्धा से होता है ट, ठ, ड, ढ और न, यानी टवर्ग का, है ना? और इसके अलावा री, री जानते हैं ना, री का होता है, र का होता है, और एक हो गया मूर्धन ष, मूर्धन स, है ना? मूर्धन स का उच्चारण मूर्धा से होता है, इसीलिए इसका नाम मूर्धन स पड़ा। क्लियर है? तालु, तालव्य का मतलब हुआ तालु, तालु से किसका किसका उच्चारण होता है जी? तो तालु से च वर्ग पूरे, च वर्ग का मतलब समझ जाओ बच्चों चा झ झा। क्लियर है? इसके अलावा हर्षई, दीर्घई, य और एक तालव श, है ना? तालव श, तालव श का उच्चारण तालु से होता है, इसलिए इसको तालव्य वर्ण कहा गया। क्लियर है जी? चलिए ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जी। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं?
ऑप्शन ए 35, ऑप्शन बी 45, ऑप्शन सी 45, ऑप्शन डी 50। बच्चों यहाँ पे सारे ऑप्शन गलत हैं, सारे ऑप्शन गलत हैं। मैं इसका राइट आंसर मैं बताती हूँ। अगर कभी पूछ दे कि हिंदी में वर्ण कितने हैं तो 44, वर्ण की संख्या कितनी है जी 44। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कुछ अलग है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? तो बच्चों यहाँ पे कुल वर्णमाला में कुल वर्ण की संख्या 52 है। वर्णमाला में कुल वर्ण की संख्या कितनी है जी 52 है। देखिए कैसे है, जो मैं ऐड कर देती हूँ। देखिए सबसे पहला का से लेकर के मा तक कितना है जी 25 हुआ ना जी, क वर्ग च वर्ग ट वर्ग और त वर्ग और लास्ट एक पवर। यरा लवा में जी टोटल कितना वर्ण है जी 11 वर्ण है। आया ई में टोटल कितना है जी 13 है ना। तो ये कितना हो गया जी टोटल 51, 63, 9, 21, 3, 4, 49 इधर हो गया। अब देखिए इसके अलावा एक स्र होता है जी, स्र स्र मतलब होता है श्रमिक, वो वाला स्र एक वर्ण ये हुआ ना हाँ। और एक होता आड़ा जिसके नीचे बिंदु होता है, जो घड़ा में लिखाता है ना घड़ा है ना घड़ी, तो उसमें अड़ा होता है। कखा गगा में अड़ा नहीं होता, कखा गगा अंगा होता, याद रखना, इसलिए कभी कंफ्यूज मत होता अड़ा। और एक होता है जी आढ़ा, जैसे अढ़ाई है ना पढ़ाई, उसमें अड़ा होता है। तो देखिए ये एक दो और तीन, ये तीन इधर हो गया और 49 इधर, 49 में अगर हम 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो गया बच्चों 52 हो गया। क्लियर है? और यही है हमारा क्या हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण। और अगर ऐसे सिंपल वे में पूछे कि वर्ण की संख्या कितना है जी तो 44। क्लियर है? 25 और 11 सॉरी 33 व्यंजन और 11 क्या होते हैं स्वर, 33 और 11 44। लेकिन इसका राइट आंसर 52 होगा, जो आपके किसी भी ऑप्शन में इस तरह का नहीं दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन आपका इसका है ही नहीं। क्लियर है? चलो बच्चों, चलिए आज का क्लास बच्चों यहीं समाप्त होता है। आई होप आप लोग को आज का क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, हेल्पफुल रहा होगा वीडियो बच्चों। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा है ना, और कोई भी प्रॉब्लम हो बच्चों आप लोग शेयर ज़रूर करें हमारे साथ। चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले से नेक्स्ट वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों